सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप RGPB यूनिवर्सिटी में अपना एनरोलमेंट फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपना एनरोलमेंट फॉर्म 2022 के लिए BE/BTECH के लिए किस प्रकार से भर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको RGPB यूनिवर्सिटी की ये ऑफिशियल साइट खोल लेना है। फिर इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना है और यहाँ से लॉगिन पेज ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपका जो यूज़र नेम है और यहाँ पर अपना पासवर्ड और ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे। आपका यूज़र नेम ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से लॉगिन ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे ही अपना एनरोलमेंट फॉर्म भरने के लिए अपना लॉगिन करेंगे अकाउंट, तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा। तो यहां पर आपको COVID-19 वैक्सीनेशन स्टेटस, तो यहां पर आपने वैक्सीन लगवाई है तो यहाँ पर फर्स्ट डोज या फर्स्ट एंड सेकेंड डोज या फिर नॉट वैक्सीनेटेड। तो जैसे आपने फर्स्ट डोज या दोनों डोज लगवा लिया है तो इस पर दोनों पर क्लिक करेंगे और डिक्लेरेशन बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट बटन पर टिक करना है आपको। फिर उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरफ में देख सकते हैं आप फिल एनरोलमेंट फॉर्म, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं फिर यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर शो माय एनरोलमेंट फॉर्म पर टिक करना है। उसके बाद में आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी डिटेल सारी आ जाएगी। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टूडेंट पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पर आपको अपना मदर्स नेम डाल देना है इस बॉक्स में। यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल। उसके बाद में यहाँ पर क्लास में अगर आप इनमें से नहीं आते हो कुछ भी किसी में भी, तो आपको एक्स पर निल, एक्स मतलब निल। उसके बाद में रिलीजन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, आपका जो भी रिलीजन हो वो। उसके बाद में यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, यहाँ से इंडियन अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर होम एड्रेस ऑफ योर कंट्री, आपका जो होम एड्रेस है वो यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे, होम एड्रेस। उसके बाद में यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो इस तरीके से। यहाँ पर अपना एरिया का पिन कोड डाल देंगे, यहाँ पर टेलीफोन नंबर है तो डाल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन डिटेल, तो यहाँ से आपको मोड ऑफ एडमिशन, तो आपका एडमिशन PPT के बेस पे हुआ है या CLC या 10+2 या NRI या अदर स्टेट नॉमिनी इनमें से, या JEE मेन के थ्रू हुआ है, जिसके भी थ्रू आपका एडमिशन हुआ है। जैसे आपने डायरेक्ट लिया है 10+2 बेस पे, तो यहाँ 10+2 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपका मार्क ऑब्टेंड आउट ऑफ, तो यहाँ से आपका 12th क्लास का ऑब्टेंड मार्क कितने नंबर आए वो डालना है। जैसे आपका 390 नंबर आए हैं 500 में से, इस तरीके से आउट ऑफ 500 में से 390, इस तरीके से अपना 12th का मार्क। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम से थे या हिंदी मीडियम, तो आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर भी दोस्तों, आपको ये अपनी जो 12th की डिटेल है वो डाल देना है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर है 10th के बेस से, तो 10th की डिटेल डालना है। तो यहाँ पर अपने 12th की डिटेल डालना है, आपने कौन से बोर्ड से पास किया है, MP बोर्ड या CBSE, ICSE या अदर बोर्ड, इनमें से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना 12th का पासिंग ईयर डालेंगे, यहाँ पर ऑप्टेन मार्क डालेंगे कितने नंबर आए, यहाँ पर कितने नंबर का पेपर था टोटल वो डालेंगे। उसके बाद में अगर आप नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी ऑलरेडी पास है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपको माइग्रेशन इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से अपनी माइग्रेशन की डिटेल डालना है, आप MP के हो या अदर स्टेट, अगर अदर स्टेट से हो तो अदर स्टेट पर टिक करेंगे। यहाँ पर अपना माइग्रेशन नंबर सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे इस बॉक्स में, MP के हो तो MP सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी लास्ट अटेम्प्ट, तो आपने यूनिवर्सिटी पास की है लास्ट टाइम या बोर्ड, जैसे 12th किया है तो बोर्ड आ जाएगा, यहाँ पर MP बोर्ड था कौन सा वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पासिंग ईयर डालेंगे,
और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 रुपये जो फीस अमाउंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पेमेंट मोड किससे पेमेंट करना है, बिल डेस्क या सर यहाँ पर UBI या HDFC बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नेट बैंकिंग, तो यहाँ से जिससे भी आपको पेमेंट करना है वो सेलेक्ट करेंगे और गो बटन पर टिक करके यहाँ से आपको अपने एनरोलमेंट फॉर्म की पेमेंट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल सही सही फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। उसके बाद में दोस्तों आपकी जैसे ही पेमेंट होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से एनरोलमेंट फ़ी कन्फर्मेशन रिसिप्ट, तो यहाँ पर आपको जो फीस है वो इस तरीके से आपकी जो रसीद आएगी तो प्रिंट बटन पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है या अपने पास में सेव करके रख लेना है। फिर आपको उसके बाद में यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करना है, लॉगिन कर लेना है दोबारा से। फिर यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट सर्विस पर आपको फिर से टिक करना है। फिर यहाँ पर आपको नीचे की साइड में जाना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टूडेंट प्रोफाइल, यहाँ पर आपको टिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको स्टूडेंट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से चॉइस फाइल पर क्लिक करके आपको यहाँ से अपनी फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पर फिर अपलोड सिग्नेचर, यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा, यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की साइड में जाना है, यहाँ से आप अपना व्यू स्मार्ट कार्ड, यहाँ से आपको व्यू स्मार्ट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना व्यू स्मार्ट कार्ड भी ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपका जो स्मार्ट कार्ड रहेगा वो देख सकते हैं आप। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको व्यू रिपोर्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू रिपोर्ट्स पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको टिक करके एनरोलमेंट फॉर्म रिसीव, तो यहाँ पर एनरोलमेंट फॉर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो एनरोलमेंट फॉर्म है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो इसको आपको यहाँ से क्लिक हेयर टू प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाकर इसका प्रिंट ले लेना है। दोस्तों इस तरीके से आपका जो एनरोलमेंट फॉर्म है उसको आपको प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करके आपको अपने कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट के साथ में आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है और एनरोलमेंट फॉर्म की स्लिप है वो सारा आपको अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं फॉर्म भरने के बाद में। तो दोस्तों इस तरीके से आप MP RGPB यूनिवर्सिटी 2022 के लिए BE BTEC के लिए अपना ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म इस तरीके से भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।